हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको छोटे बच्चे के लिए प्लाजो बना के दिखाऊंगी, जो सर्कल वाला प्लाजो होता है, अम्ब्रेला घेर वाला प्लाजो है ये मेरा। सो गाइस, लेट गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम फैब्रिक को बीच में से फोल्ड कर देंगे। ये मैंने 2 मीटर फैब्रिक ले रखा है, आप अपने अकॉर्डिंग लिए। तो ये बीच में से मैंने इसे फोल्ड किया है, फिर इसको हम इस तरह से ट्राइंगल शेप में फोल्ड करेंगे। फुल लेंथ मैंने 28 इंचेस रखी हुई है, देख सकते हैं आप। अब मैं इसको मेज़र करूँगी 6 इंचेस तक। ये 6 इंचेस जहाँ पे भी आएगा उसको हम 6 इंचेस तक रखेंगे। तो ये देखिए, मैंने निशान लगा दिया है। इसके बाद मैं इसे गुलाई का शेप दूंगी इस तरह से। तो ये देखिए, निशान लग चुका है मेरा। अब मैं नीचे की मार्किंग करूँगी, तो देख लेती हूँ नीचे कितना है घेरा इसका। तो ये जो हमने निशान लगाया था, उसके नीचे से हम इसकी लेंथ लेंगे। अब मैं इसे क्रॉस एरिया की मार्किंग करूँगी, तो 8 इंचेस रखे हैं मैंने। इसका आसन 8 इंच रखा है, ये छोटे बच्चे का है इसलिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसकी लेंथ छोटी बड़ी कर सकते हैं। इसकी यहाँ से मैं 1 इंच की विड्थ लूँगी, तो इसको मैं थोड़ा सा राउंड शेप देते हुए कॉर्नर पे मिला दूँगी, जहाँ से ये स्टार्ट हुआ था। तिरछी लाइन ही मिलानी है हमें, सीधा लाइन में नहीं मिलाना है इसे, वरना ये कपड़ा गलत कर जाएगा। तो इसलिए हम इस तरह से करेंगे। तो ये देखिए, मार्किंग हो चुकी है मेरी। मैं इसकी लेंथ ले रही हूँ 22 इंचेस। इसमें मैं 6 इंचेस प्लस कर दूँगी, तो मेरा जितना भी चाहिए उतना मुझे मिल जाएगा। तो ये 22 इंचेस पे मैं सारे पे निशान लगा दूंगी, गुलाई का शेप दे दूंगी इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से हमें निशान लगाना है, क्योंकि ये छोटे बच्चे का है ये प्लाजो, तो इसमें इसलिए हमें जॉइंट इसमें नहीं लगाएंगे। अगर आपको ये बड़ी प्लाजो बनानी होगी, तो आपको इसमें जॉइंट लगाना ही पड़ेगा। इसकी वीडियो मैंने बना के रखी है, आप वहाँ से इसे फॉलो कर सकते हैं। बड़े साइज़ का भी मैंने प्लाजो बनाया, अम्ब्रेला घेर वाला सर्कल प्लाजो। तो देखिए, मैंने मार्किंग कर दी है, ये मार्किंग मेरी डन हो चुकी है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। सबसे पहले हम ऊपर की कटिंग करेंगे इसके। अब हम इसके जो हमारा बॉटम है, और उधर साइड की कटिंग करेंगे। अब कटिंग करने से समय ये ध्यान रखना है आपको, कि ये कपड़ा ज़्यादा उठना नहीं चाहिए। और थोड़ा सी मेरा कपड़ा जो है वो थोड़ा स्लिपरी है, तो इसलिए हम इसको आराम से कट करेंगे। आप किसी भी फैब्रिक का यूज़ कर सकते हैं इसको बनाने के लिए। अब मैं क्रॉच एरिया की भी कटिंग कर लूँगी। तो क्रॉच एरिया की कटिंग कर ली है मैंने। अब इस साइड में जो जॉइंट था, उसे भी मैं कट करके अलग कर दूँगी। ये आप देख सकते हैं, इस तरह से हमें 2 पीसेस मिल गए हैं दोनों लग के। और उसको मैंने उल्टा करके रखा हुआ है। अब मैं इसे ज्वाइन करूँगी, तो इस तरह से फैब्रिक को पकड़ना है, फिर हमें स्टिच करना है, नॉर्मल स्टिच करना है इस पर। ये एक साइड पे मैंने स्टिच कर लिया है, अब दूसरे साइड भी मैं सेम ऐसे ही स्टिच करूँगी। तो देखिए, इस तरह से हमें स्टिच कर लेना है इसको भी। ये देखिए, मैंने स्टिच कर लिया है। स्टिच होने के बाद ये इस तरह से दिखेगा। अब मैं इसके जो हमारा घेर वाला था, बॉटम वाला एरिया था, अब मैं पहले इसे स्टिच करूँगी, बेल्ट में इसकी बाद में बनाऊँगी। तो इसको हम आइए स्टिच कर लेते हैं। दोनों पीसेस को हमें अच्छे से पकड़ेंगे, फिर उसके बाद हमें इस पर स्टिच कर देंगे। नॉर्मल सिलाई देनी है। ये देखिए, मैंने दोनों ओपन पार्ट्स को अटैच कर दिया है। अटैच होने के बाद ये इस तरह से नज़र आएगा, देखिए कितना अच्छा सा घेर है इसका। तो ये देखिए, अब मैं ये मेरा होल हो चुका है लगभग। अब मैं इसकी बेल्ट बनाऊंगी। तो बेल्ट के लिए मैंने फैब्रिक ले रखा है सेम इसी कलर का ही। तो इसकी लेंथ जितनी आपको चाहिए अपने अकॉर्डिंग रखिए। मैंने 6 इंचेस रखे हैं, और विड्थ बेल्ट के आपके घेर के हिसाब से रखिए। आपका जितना भी मेजरमेंट हो कमर का, उसके हिसाब से आप रखिए। तो ये देखिए, मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब मैं ये जो पीस है हमारा, अब मैं इससे अपनी प्लाजो के साथ अटैच करूँगी। मैं इसमें इलास्टिक लगाने वाली हूँ। अगर आप चाहें तो इसमें बीच में आप पेस्टिंग से बना सकते हैं इसे, आप बेल्ट को आपको जैसी भी मर्जी हो आपने उसके अकॉर्डिंग बनाए। तो ये इसमें थोड़ा सा मैंने घेर रखा हुआ था, इसके लिए मैंने इसमें इलास्टिक का यूज़ किया हुआ है। तो इस तरह रखेंगे हम, 1 फुट की गैप पर ही स्टिच करना है। इसको मैंने उल्टे साइड से लगा रही हूँ, फिर सीधे साइड पर इसे टर्न कर लूँगी।
बेल को मैंने उल्टे साइड से अटैच कर लिया है। अब मैं इसको सीधे साइड पे टर्न करूँगी। तो सबसे पहले हम सलो जो हमारी प्लाजो है इसको हम सीधे साइड पे टर्न करेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे टर्न कर लिया है। टर्न करने के बाद जो हमारी बेल्ट है उसको हम अब सीधे साइड पे इसको मोड़ के इस तरह से रखना है। फिर इसे हम स्टिच कर देंगे, लगभग हाफ इंच अंदर हम मोड़ देंगे ताकि इसकी जो धागे हैं वो ना निकले। इसके लिए हम इसको हाफ इंच अंदर टर्न करने के बाद स्टिच कर देंगे। तो आइए हम इसे स्टिच कर लेते हैं। आप चाहें तो इसे पहले पिनअप कर लीजिए फिर इसके बाद स्टिच करिए। मैंने इसे डायरेक्ट ही स्टिच किया हुआ है तो आइए हम इसे स्टिच कर लेते हैं। नॉर्मल स्टिच रखी है मैंने। ये देखिए बेल्ट को अटैच कर लिया मैंने। ये आप देख सकते हैं ये सर्कल वाली प्लाजो बनके मेरे रेडी हो चुकी है। ये देखिए इसका कि घेर कितना अच्छा सा आया हुआ है। इसकी फ्लेयर बहुत ज़्यादा है। ये बहुत बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, आप देख सकते हैं। इसमें बाद में इलास्टिक लगा दूंगी और नीचे मैं पीको कर दूंगी। अगर आप चाहें तो इसे मोड़ के या फिर इलास्टिक या इसमें सॉरी लेस भी लगा सकते हैं। तो ये बन के देखिए मेरा रेडी हो चुका है। होप यू आर लाइक इट। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।